हेलो स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग आपकी क्लास प्लस टू है और आपका लेक्चर है जो इंग्लिश लिटरेचर का लग रहा है तो उसमें आज हम ट्वेल्थ चैप्टर है जो आपका ट्वेल्थ चैप्टर द मोस्ट डियर टू ऑल द मोस मॉसिस का मतलब होता है आर्ट्स कला ये आर राधा सॉरी डॉक्टर एस राधा कृष्ण का लिखा हुआ चैप्टर है ये आपकी बुक का जो टाइटल है उसका ये चैप्टर है तो आपने इसको ध्यान से करना है बुक का नाम भी डियर टू ऑल द माउसेज है तो इससे ही आपको मतलब इसमें से आपको एक क्वेश्चन जो है वो पक्का आएगा ही आएगा ठीक है क्योंकि बुक का नाम है ये तो हम इसकी समरी शुरू करते हैं इन दिस पीस डॉक्टर राधा कृष्ण अ वर्ल्ड फेमस फिलासफ़र डॉक्टर राधा कृष्ण का आपने नाम सुना होगा वो वर्ल्ड फेमस फिलासफ़र है एंड अ फॉर्मर प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया और इंडिया के प्रेजिडेंट रह चुके हैं फॉर्मर होता है जो पहले होते हैं अब नहीं है ठीक है पेज रिच ट्रिब्यूट्स टू रविंद्रनाथ टैगोर उन्होंने क्या किया ट्रिब्यूट मतलब होता है श्रद्धांजलि देना तो so उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि दी वंस द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड डिप्यूट हिम एंड सर म्यूराइज़ गेयर टू कन कॉन्फर द डिग्री ऑफ डॉक्टर ऑफ लिटरेचर ऑन टैगोर वंस द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड है जो वो डिप्यूटिड करती है उनको एंड सर म्यूराइज़ गेयर टू कन्फर्म कॉन्फर द डिग्री ऑफ़ डॉक्टर ऑफ लिटरेचर ऑन टैगोर uh, टैगोर पे वो डॉक्टर ऑफ लिटरेचर डॉक्टर ऑफ लिटरेचर मतलब वो उन्होंने सारा काम किस पे किया है टैगोर uh, पे ठीक है टैगोर वॉज रेफर टू एज मोस्ट डियर टू ऑल द माउसेस तो यहाँ पे किसको रेफ़र किया गया है डियर टू ऑल द माउसेस आर्ट का सबसे बड़ा बंदा किसको बनाया गया है रविंद्र नाथ टैगोर को ठीक है तो द मोस्ट डियर टू ऑल द माउसेस कौन है रविंद्रनाथ टैगोर है माउसेस मीन्स आर्ट माउसेस का मतलब होता है आर्ट कला टैगोर वॉज अ जीनियस टैगोर जीनियस थे ही एक्सप्रेसड हिमसेल्फ थ्रू एवरी फॉर्म ऑफ लिटरेचर वो अपने आप को एक्सप्रेस करते थे किसके थ्रू फॉर्म ऑफ लिटरेचर के थ्रू म्यूजिक के थ्रू डांस के थ्रू एंड पेंटिंग के थ्रू तो ये क्वेश्चन दो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप बनते हैं कि टैगोर को या फिर मोस्ट डियर टू ऑल द माउसेस किस को बोला गया है टैगोर को वो अपने आप को किन चीज़ों से एक्सप्रेस करते हैं तो वो है लिटरेचर म्यूजिक डांस एंड पेंटिंग इसीलिए ये सब किसकी फॉर्म्स हैं आर्ट की फॉर्म्स हैं ठीक है हिज वर्क्स हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू टू मैनी लैंग्वेज उनके काम बहुत सारी लैंग्वेज में ट्रांसलेट किए गए हैं ही हैज़ इंस्पायर्ड सेवरल राइटर्स इन मैनी कंट्रीज उन्होंने अपनी कंट्री में बहुत सारे राइटर्स को इंस्पायर किया मतलब कि उनके वर्क्स पढ़ के बाकी राइटर भी इंस्पायर हो गए टैगोर वॉज नॉट अ ब्लाइंड फॉलोअर ऑफ ट्रेडिशन इन आर्ट टैगोर जो है वो अंधे होके किसी आर्ट के पीछे नहीं लगते थे बट ही डिड नॉट ब्रेक ट्रेडिशन फॉर द शेक ऑफ ब्रेकिंग इट पर उन्होंने कभी ट्रेडिशन को नहीं तोड़ा तोड़ने के लिए ही हैड द गिफ्ट टू सी द होल वर्ड एज वन वर्ड उनके पास गिफ्ट था कि वो पूरे वर्ड को एक ही वर्ड के रूप में देखें टैगोर हैज़ एन इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी टैगोर एक इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी है ही वॉज टॉल वो लंबे हैं रॉयल इन अपीयरेंस विद हीज फ्लोइंग ब्रीड रॉयल इन अपीयरेंस अपीरेंस दिखने में वो रॉयल है विद द विद हिज फ्लोटिंग फ्लोइंग ब्रीड उनकी जो दाढ़ी है वो बहुत फ्लोइंग अर्नेस्ट राइज इन हिस्स बुक अर्नेस्ट राइज है जो राइटर है वो अपनी बुक में लिखता है एवरी मैन रिमेंबर्स डिस्क्राइब टैगोर एज द प्रोफिट ईसा तो एवरी मैन करता है टैगोर को इट इज़ वेरी टू पास जजमेंट ऑन लिविंग पीपल इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू पास जजमेंट ऑन लिविंग पीपल लिविंग पीपल के लिए जजमेंट पास करना बहुत मुश्किल का काम है राधा कृष्ण फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू तो जज टैगोर राधा कृष्ण को भी टैगोर को डिफाइंड करने में बहुत मुश्किल आई क्योंकि वो लिविंग एक हम जीते जाते इंसान को कैसे जज कर सकते हैं तो ये एक बहुत बड़ा डिफिकल्ट टास्क था बट ही फील्स दैट टैगोर विज़न में भी प्रोफेंटिक ऑफ फ्यूचर ऑफ द फ्यूचर ऑफ इंडिया उन्होंने फील किया कि टैगोर का जो विज़न है वो पूरे फ्यूचर के लिए प्रोफ, आ, प्रोफेटिक हो सकता है बहुत बढ़िया हो सकता है इंडिया इज़ अ स्ट्रेंज कंट्री अवर कंट्री हैज़ बीन अटैक्ड एंड रूल्ड बाई गवर्नर अपनी कंट्री पर किसने अटैक किया था ब्रिटिश ने और किसने रूल किया था ब्रिटिश ने आवर हिस्ट्री गिवस अस एग्ज़ाम्पल ऑफ आवर ग्रेटनेस एंड अवर फॉल हमारी हिस्ट्री ही हमें बताती है हमें एग्जाम्पल्स देती है हमारी ग्रेटनेस का और हमारे फॉल्स का बट वई नोटिस दैट इन एवरी सेंचुरी इंडिया रिकवर्स इट्स सोल बाय गिविंग बर्थ टू ग्रेट मैन पर हमने ये नोटिस किया है कि दैट एवरी सेंचुरी हर एक सेंचुरी में इंडिया रिकवर इट्स सोल्स बाय गिविंग बर्थ टू ग्रेट मैन इंडिया ने अपनी आत्मा को रिकवर किया क्योंकि हर सेंचुरी में हर ईयर में कोई ना कोई ग्रेट मैन जो है इंडिया में जन्म लेता था द राइटर्स ऑफ द उपन्यास दुधा द महावीरा और शोका एंड अकबर कबीर एंड नानक इज देस ओन टाइम्स ब्रॉट इंडिया टू द राइट पथ ऑफ प्रोग्रेस ये बंदे हैं जो राइटर है जो उपन्यास के बुधा के राइटर हैं महावीर के राइटर हैं अशोका है अकबर है कबीर है नानक है इन सब ने अपने अपने टाइम में इंडिया को एक सही रास्ते पे ला के उसकी प्रोग्रेस किया टैगोर वाज वन ऑफ दोज हु परफॉर्म द सेम टास्क इन द ट्वेंटियन सेंचुरी इन महान आदमियों में एक रविंद्रनाथ टैगोर भी था जिसने ट्वेंटियन सेंचुरी में सेम टास्क किया इंडिया को प्रोग्रेस दिलाने के लिए टैगोर फाउंडेड अ स्कूल एट शांति निकेतन ऑन द मॉडल ऑफ अवर ओल्ड आश्रम्स आपने कहीं पढ़ा होगा शांति निकेतन के बारे में वो टैगोर ने फाउंड किया था शांति निकेतन एक स्कूल है मॉडल है किस चीज़ का ऑफ अवर ओल्ड आश्रम ओल्ड आश्रम का मॉडल है द टीचर्स एंड पापल्स पापल्स होता है स्टूडेंट्स चेला टीचर एंड स्टूडेंट अचीव्ड ह्यूमन फुलफिलमेंट बाई वाइज थिंकिंग राइटियसनेस लिविंग एंड डीप फेथ तो शांति निकेतन के तीन जो आइडियाज़ माने जाते हैं एक तो अच्छा सोचना अच्छी तरह रहना और डीप फेथ और पूरी तरह यकीन करना एट शांति निकेतन पीपल फ्रॉम वेरियस कंट्रीज एंड बिलोंगिंग टू वेरियस रीजन मीट वन अनादर शांति निकेतन में लोग अलग अलग कंट्री से आते थे अलग अलग रिलीजन को फॉलो करते थे पर रहते एक साथ थे द स्कूल हैज़ अ हिंदू बैकग्राउंड स्कूल का बैकग्राउंड हिंदू है बट द बर्थ ऑफ द बुधा क्रिस्ट मोहम्मद नानक आर सेलिब्रेटेड विद इक्वल एंथुज्म पर वहाँ पे बर्थ है जो बुद्ध का जन्मदिन भी मनाया जाता है क्रिस्ट का भी मनाया जाता है मोहम्मद का भी मनाया जाता है और नानक का भी मतलब हर एक रिलीजन को मान्यता दी जाती है टू टैगोर इंडिया वॉज एन आइडिया टैगोर के लिए इंडिया एक आइडिया था नो जोग नॉट अ जोग्राफिकल फैक्ट कोई एक जोग्राफिकल फैक्ट नहीं था दियर फोर टैगोर वॉज़ इंडियन नॉट बिकॉज ही वॉज़ बॉर्न इन इंडिया कहते चाहे टैगोर इंडियन है पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंडिया में बॉर्न हुआ है इसलिए वो इंडियन है बट बिकॉज ही वॉज इंस्पायर्ड बाई इंडिया क्योंकि वो इंडिया से इंस्पायर हुआ है आपको पता है हमारा इंडिया जो है उसमें बहुत सारे सभ्यताओं के लोग हैं रिलीजन के लोग हैं ठीक है थीके? हमारी जो जोग्रफिकल बैग जोग्राफी है वो बहुत अच्छी है ना तो हर एक पक्ष से इंडिया जो है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज है तो इसीलिए टैगोर जो है इंडिया से इंस्पायर हुआ अदरवाइज द होल वर्ल्ड वाज हिज फैमिली और इसके अलावा पूरी दुनिया उसकी एक फैमिली है टैगोर के बारे में बात कर रहे हैं हम हिज वर्क हैव अ यूनिवर्सल अपील उसके जो काम है वो किसी एक चीज़ को ले लिखे नहीं गए हैं बल्कि पूरी यूनिवर्स पूरी दुनिया को ले लिखे गए हैं टैगोर्स मैसेज टू अस इज दैट वी शुड प्रिजर्व द फ्रेमवर्क ऑफ़ इंडियन कल्चर एंड अडॉप्ट आवर सेल्फ टू आउटर इन्फ्लुएंस टैगोर का मैसेज है हमारे लिए कि हमें इंडिया के कल्चर का फ्रेमवर्क है उसको प्रिजर्व करना चाहिए देखना चाहिए अपनाना चाहिए एंड अडॉप्ट सेल्फ टू आउटर इन्फ्लुएंस और अपने आप को जो बाहर ले हमारे इन्फ्लुएंस है उनको भी अपनाना चाहिए टैगोर इज अगेंस्ट द ब्लाइंड इंटीमेशन ऑफ़ इमिटेशन ऑफ वेस्ट वो इसके टैगोर इस बात के खिलाफ था कि हमें बाहर का कल्चर या वेस्ट है जो उसको आंखें बंद करके नकल नहीं करनी चाहिए इमिटेशन इन हीज ओपिनियन इज़ नकल करके करना नकल जो है उसके ओपिनियन में क्या था उन टैगोर के विचार में नकल का मतलब है लाइक ड्रेसिंग अवर स्केल्टन विद अदर मैं स्किन लाइक ड्रेसिंग अवर स्केल्टन स्केल्टन मतलब हमारा हड्डियों का ढांचा है जो उसको तैयार करना विद अदर मैंस स्किन किसी दूसरे आदमी की स्किन डाल के समझ गए स्केल्टन हमारा है उसके ऊपर चमड़ी किसकी है किसी दूसरे पर्सन की मतलब कि बॉडी हमारी है पर हम उनके कल्चर को किसको फॉलो कर रहे हैं वेस्टर्न को तो हमारे जो ऊपर पहने हुए कपड़े हैं वो क्या हो गए वेस्टर्न के होंगे बट टैगोर डज नॉट से दैट वी शुड नॉट एक्सेप्ट एक्सेप्ट गुड आइडियाज़ फ्रॉम एनी वेयर पर टैगोर ये नहीं कहता कि अगर आपको कहीं अच्छे आइडिया मिल रहे हैं कहीं से भी दुनिया में तो उनको अपनाना नहीं चाहिए बल्कि उनको अपनाना चाहिए इन हिज ओपिनियन उसके ओपिनियन युनि, यूनिटी इज ट्रूथ इकट्ठे रहोगे तो सच है एंड डिविजन इज इवल जो अगर अलग अलग हो जाओगे तो वो बुरी बात है India has the great power of binding together opposite इन आइडिया इंडिया के पास एक बहुत बड़ी पावर है कि वो बांध के रखते हैं जो गलत आइडिया के खिलाफ दैट इज़ द बेसिस ऑफ अवर कल्चर ये हमारे कल्चर का बेस है एंड दैट इज वाई इंडिया हैज़ सर्वाइव्ड और इसीलिए इंडिया अब तक सर्वाइव कर रहा है टैगोर सेज दैट इवन नाउ इंडिया स्लोली एस्टैबलिशिंग हारमोनी बटवीन द ओल्ड ट्रेडिशन एंड द न्यू ट्रेडिशन टैगोर कहता है कि अब इंडिया धीरे धीरे अस्टैब्लिश बढ़ रहा है इसके बीच में अपने पुराने ट्रेडिशन के बीच में और नए आइडियाज़ के बीच में क्योंकि धीरे धीरे टाइम चेंज हो रहा है तो उसको नई नई चीज़ें अडॉप्ट करनी पड़ रही हैं ही एडवाइज इंडियंस टू ज्वाइन इन दैट ग्रेट वर्क वो इंडियंस को इंडिया के लोगों को एडवाइस देता है कि एक साथ इकट्ठे होकर इस ग्रेट काम को करो ठीक है बेटा तो ये चैप्टर है जो वो सारा किस पे बेस्ड है टैगोर पे ये सारा चैप्टर टैगोर पे बेस्ड है मोस्ट टू ऑल द माउसेस क्या है टैगोर को बोला गया है ठीक है तो टैगोर के क्या ओपिनियंस है टैगोर के बारे में आपने ये चैप्टर सारा याद करना है पर इसको लिखा किसने है राधा कृष्ण ने डॉक्टर एस राधा कृष्ण ने ठीक है बेटा समझ में आ गया सारा चैप्टर अगर बेटा अब तक कोई प्रॉब्लम लगी हो आपको तो मेरे को कभी भी मैसेज करके आप बता सकते हो ठीक है बेटा नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स एंड जो इंपॉर्टेंट वो करेंगे तब तक आप इस चैप्टर की समरी है जो अच्छे से समझ लो ओके बेटा ओके हैव अ नाइस डे